السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" काबिल अहतराम कराम मेरे दीनी भाइयों और नौजवान साथियों और काबिल अहतराम माँ और बहनों पिछले दर्स में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सम की हदीस हमने देखी जिसमें दुआ में हाथों का उठाना एक मस्तहब अमल करार पाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने इस बात की तरगीब दी है कि जब हम दुआ करें तो दुआ के वक्त हम दोनों हाथ उठाएं दुआ के वक्त दोनों हाथों का उठाना यह दुआ की कबूलियत के असबाब में से एक सबब है इसमें कायदा यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने के बावजूद जहां हाथ न उठाए हों आदमी वहां हाथ न उठाए और जहां आपसे साबित हो कि आपने दुआ की और हाथ उठाए आपकी इब्तः में आपकी इतबा में मुसलमान को भी चाहिए कि उस मौके पर उस दुआ के साथ दोनों हाथ उठाने का अहमाम करें लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ़ अवकात में जहाँ इंसान खुद अपने तौर पर दुआ करता है अपनी किसी हाजत को अल्लाह से तलब करता है मांगता है तो ऐसे वक्त में उसे अख्तियार है कि दुआ में वह दोनों हाथ उठाए इसलिए असल इसमें यही है रहा ये कि ऐसे मौाक़े जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना मनकूल हो और सिर्फ़ ये हो कि आपने यूँ दुआ की या आपने कहा लेकिन वहाँ पर हाथ उठाना मनकूल ना हो तो बेहतर यही है कि एक मुसलमान वहाँ पर हाथ ना उठाए इसलिए कि वो चीज़ वहाँ मजकूर नहीं है तो मसनून अजकार के लिए ये कैद याद रखनी ज़रूरी है कि जहाँ रफुलेदैन दुआ के लिए साबित हों वहाँ करें जहाँ साबित ना हो वहाँ न करें अपने तौर पर जब दुआ करें तो फिर इख्तियार है कि जब चाहे दुआ करें और मुतलक दुआ जब भी हो तब दोनों हाथ उठाना ये मशरू है और मुस्तहब है अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक और मसला उसमें है कि दुआ के बाद चेहरे पर दोनों हाथ फेरना इस ताल्लुक़ से भी एक हदीस इब्न हजर अल्लाह ने अपनी किताब में ज़िक्र की है हम बुलमराम का आखिरी हिस्सा किताबुल जामे से उसका आखिरी बाब باب الذكر والدعاء اس کا کر رہے ہیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں ابن حجر رحم الله فرماتے ہیں وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه اخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن, ابن عباس عن ابي داوود व मजमू उहावी हदीफ़ उनबन हजर रही फ़रमाते हैं कि उमर अबिन ख़ाब रदी अल्लाह तवायत है कल का न रसूल सल्ह सल्ला के रसूल सल्ह सब इदा मदही दुआ जब दुआ में अपने दोनों हाथ उठाते फैलाते अल्लाह के आगे अपने दोनों हाथ जब दुआ में फैलाते लम याद हुमा उन दोनों हाथों को वापस न लेते हत्ता साबीमा वजह हो, जब तक कि आप उन दोनों हाथों को चेहरे पर फेर नहीं लेते अखरजह तिरमिदी इस हदीस को इमाम तिरमिदी ने रिवायत किया है इबन हज रहम् फरमाते हैं वल्हु शवाहिदुमिन वल् शवाहिद इस हदीस के और भी शवाहिद हैं यानी यह हदीस और भी सहाबा से आई है एक तो साहबी हैं उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तु और इसके अलावा दीगर साहबा से भी ये रिवायत यही इसी माना में चेहरे पर हाथ फेरने की हदीस आई है मिनह उनमें से एक हदीस ये भी है हदीस व, व इबन अब्बास उनमें से एक हदीस इबन अब्बास रदी अल्लाह तैना की हदीस है अन अबी दाऊद जिसे इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है जो उनकी तरफ से मरवी है उन्होंने अपनी सुरन में इसको रिवायत किया है व मजमूा यक तगी हदीसन और इन तमाम अदीस के यानि जमा करने से यही हासिल होता है कि ये बात या ये हदीस हसन दर्जे की है यानि तमाम तुरुक को अगर सामने रखा जाए तो इबन हजर रहमतुल्लाह के नज़दीक ये हदीस हसन दर्जे को पहुँचती है कभी ऐसा होता है कि फी नफ से बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई इसलिए कि इबन हजर रही जान रहे हैं कि इमाम तिरमिदी की हदीस पर और इसी तरह से इमाम अबू दाऊद की हदीस पर कलाम है इसकी उलमा ने की है लेकिन महदसिन का कायदा ये भी रहा है कि अगर एक हदीस कई तुरुक से आती हो यानी अगर एक सनद में रावी है और दूसरी सनद है उसमें भी रावी है अगर इस तरह के कई तुरुक हो जाते हैं तो कसरत तुरुक की वजह से कई चेन से कई सनदों से अगर वह हदीस आती है एक ही सहाबी से तब भी ये कुवत पाती है फिर अगर वही हदीस कई तुरुक से आती हो और कई शवाहिद उसके हों और वही माना उसमें मौजूद हों तब भी बहुत सारे महदसिन ये कहते हैं कि इन शवाहिद की वजह से इस हदीस को कुवत मिलती है और कम अज़ कम यह हदीस हसन लगैर ही के मरतबे को पहुँचती है लेकिन यहाँ ये यह कायदा भी याद रखना ज़रूरी है जिसे महादसिन ही ने बयान किया है और इबन हजर वग़ैरह ने तो इसको तफसील से ज़िक्र किया है वो ये कि ज़रूरी है कि ये जितने तुर्क हों में कोई ऐसा रावी ना हो जो मतहम बिलवा हो या से घड़ने की तहमत उस पर हो या वाकई उसका सबूत मिला हो या इसी तरह से बिदाती हो या फिर इसको का मरतकब हो यानि अगर उस रावी में फ़ शदीद है तो उस हदीस में भी ओफ़ शदीद पैदा हो जाएगा और अगर ऐसी कई हदीसें भी हों कि उसके अंदर सख्त ज़ीफ़ रावी हों तो ऐसी हदीसें एक दूसरे को क़वत नहीं पहुँचाती हैं हाँ अगर ऐसा रावी है बस जिसका याद इसकी याददाश्त ख़राब है कभी गलतियाँ करता है अक्सर गलतियाँ करता है और ऐसे कई रूआत हों मख्त संदों के अंदर तब जाकर वह एक दूसरे की यानि उन तकवीत का ज़रिया बन सकते हैं तब जाकर वह हदीस अपने मजमू अतबार से हसन लगैर ही के दर्जे को पहुँच सकती है तो रावियों का हल्का ज़ोफ चल जाएगा लेकिन शदीद ज़ोफ नहीं चलेगा अगर सनत किसी हदीस की सख्त ज़ैफ़ है तो ऐसी हदीस दूसरी हदीसों से क़वत नहीं पाती है यह कायदा भी याद रखना चाहिए तैदुर की वजह से तकवीत पाना हदीसों का या इतलाक नहीं है बल्कि ये मुकैद है इससे कि वह फ़ बस याददाश्त का फ़ हो और कम यानी हल्का ज़ोफ हो शदीद ज़ोफ ना हो तो क्या यहाँ पर ऐसा मामला है ऐसा मामला यहाँ पर नहीं है इसीलिए हाफिज़ इब्ने हजर रही की बात मरजूह है काबिल तरजीह नहीं है और काबिल कबूल नहीं है क्यों इसलिए कि हदीसों में ज़ोफ शदीद है पहली हदीस आप देख लीबिन हजर ने यहाँ पर दो हदीसें ज़िक्र की हैं उमर अबिन ख़ाब रदी अल्लाह उतारम की हदीस और दूसरे अब्दुल्लबिनि अब्बास रजी अल्लाह तुमा की हदीस क्या ये दो हदीसें या इसके अलावा भी जो रिवायतें हैं क्या ये आपस में एक दूसरे को क़ुत देती हैं नहीं क्यों इसलिए कि पहली हदीस जो हज़रत उम्र की है इसमें एक रावी ऐसा है जिस पर हदीसें घड़ने की तहमत है मालूम हुआ कि ये ये तहमत उस रावी को सख्त कमज़ोर कर देती है और ऐसे रावी की यानि दूसरी हदीस अगर उसके सपोर्ट में हो तो वह तकवीत नहीं पाती है क्योंकि ये ज़ाल्फ़ शदीद है ये सख्त कमज़ोरी है रावी के अंदर इस इस हदीस की सनद में कौन है इसकी सनद में हमद इब्न हमाद हमद अबन अल जुहनी इस नाम का रावी है यानी हदीस बयान करने में पहुंचाते-पहुंचाते-पहुंचाते इमाम तिर्मिजी तक जो हदीस पहुंची है दरमियान में पहुंचाने वालों में एक शख्स है जिसका नाम है हमद इबन ईसी अल्जुहनी इसके बारे में इमाम अदाबी राम फरमाते हैं ये जाफर صادق से और बलाएँ रिवायत करता है बलाएं रिवायत करता है, यानी ऐसी हदीसें जिसको बला बोल सकते हैं या कुछ भी अपनी तरफ से घड़ी हुई हदीसें बयान करता है मीजातल में जिल्द नंबर एक सफ़ा नंबर पाँच सौ अठानवे पर ये बात इबन इमी ने कही है तो मालूम हुआ कि यह रावी ऐसी रिवायतें बयान करता है जो बहुत ही यानी भयानक होती हैं, तमाहत हैं या झूठ है जिसको कह सकते हैं ऐसी रिवायतें नकल करता है इसीलिए शेख अलबानी ने इस हदीस के बारे में कहा फी ही मुतम बिलवा इस हदीस की सनद में एक ऐसा रावी है जिस पर हदीस घड़ने की तहमत है वकाल अबू जुरा और इमाम अबू जुरा जो बड़े महदसिन में से हैं कहते हैं हदीस मुनकर यह हदीस मुनकर है हदीस बाद कहते हैं मुनकिर है मुनकिर नहीं मुनकर उसको कहते हैं यह हदीस मुनकर है मुनकर उस हदीस को कहते हैं कि जिसकी सनद में ज़यीफ रावी हो और मतबर रावी के बिलमकबिल रिवायत बयान करता हो कि अगर एक रावी खुद ज़यीफ़ है और एक मोतबर फ़ि रावी के ख़िलाफ़ हदीस बयान करता है या हट के रिवायत बयान करता है तो ऐसे ऐसी रिवायत को मुनकर कहा जाता है और अगर ख़ुद रावी मोतबर है लेकिन अपने से ज़्यादा मोतबर रावी से उसके ख़िलाफ़ रिवायत बयान करता है यानी उसकी रिवायत से अलग माना वाली रिवायत बयान करता है जो टकराती हो तो ऐसी रिवायत को उस रिवायत को जो एक यानी मोतबर लेकिन कम मोतबर रावी नकल करता है उसे शाज़ कहा जाता है और उसके बिलमक़ाबिल रवायत को महफूज कहा जाता है तो यहाँ पर इमाम अब ज़ुरा कहते हैं कि हदीस मुनकर यह हदीस मुनकर है यानी इसके मुकाबले में जितनी हदीसें अल्लाह के नबी सलील वसम की आई हैं उनमें कहीं भी चेहरे पर हाथ फेरने का जिक्र नहीं है और यह अकेला ज़ैफ़ रावी है और मतहमबिलवादा है और ये रावी सिर्फ़ जिक्र करता है कि चेहरे पर हाथ फेरते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये हदीस क्या हुई मुनकर और कहते हैं आकाफ़ो यकून लहू असल मुझे इस बात का ख़दशा है कि इस हदीस की कोई असल नहीं होगी यानी इसके लिए कोई असल ही नहीं है कोई बुनियाद नहीं है यानी जब कई हदीसें एक साथ एक ही माना में आती हैं चाहे रावी थोड़े थोड़े कमज़ोर हों लेकिन महादसन कहते हैं कि इसकी कुछ असल है ऐसा लगता है इतने सारे लोग यही बात बयान कर रहे हैं कुछ ना कुछ बुनियाद इसकी होगी लेकिन यहाँ इमाम अब जुरा कहते हैं यह हदीस मुनकर हैं और मुझे डर है कि इसकी कोई बुनियादी नहीं है यानी ऐसा हुआ ही नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया हो तो इसकी कोई असल नहीं है तो सिलसिलासिया में ये बात शेख अल्बानी ने कही है जिल्द नंबर दो सफ़ा नंबर एक सौ चवालीस पर और ये जो बात इमाम अबू जर की है इमाम इबन अबी हातिम ने अपनी किताब अल में भी इसको जिक्र किया है जिल्द नंबर पाँच सफ़ा नंबर चार सौ चौवन पर तो इससे मालूम होता है कि हज़रतमर अबिन ख़ा रदी अल्लाह तुम के नाम से जो रिवायत तिरमिज़ी में मौजूद है इसकी सनद में सख्त रावी मौजूद है जिसका नाम हमाद अबिनजुहनी है दूसरी हदीस जो इबन हजर ने ज़िक्र की है उसके अल्फाज क्या हैं उसके वाकई अलफाज हैं क्योंकि यहाँ इबन हजर ने अफाज़ जिक्र नहीं किए बल्कि कहा कि इसी माने में इबन अब्बास से भी रवायत है उसके अल्फाज भी हम लोग देख लेते हैं उसके अल्फाज हैं सल्ला बे बोतून वला वाला तसल्लू के अपनी हथेलियों के बुतून छुपा हुआ हिस्सा जैसे खड़ा हो जाए आदमी तो ये हिस्सा छुपा होता है ये जाहिर होता है तो इसको गहर कहते हैं और इसको यानि ये बतन कहते हैं तो अपनी हथेलियों से हथेलियाँ उठा कर अल्लाह से दुआ करो यूँ इस तरह से उल्टे हाथ करके दुआ मत करो वला तसल्लूब्री फ़दा फ़र्क तुम जब तुम दुआ से फारिग हो जाओ फ़म सखू बहा वजुहकुम तो अपने चेहरों को चेहरों पर हाथ, ये हथेलियाँ फेर दो फम सखू बहा इन दोनों हथेलियों से अपने चेहरे पर मसाह करो यानि चेहरे पर हाथ फेर लो ये अबू दाऊद मेरी बात मौजूद है हदीस नंबर एक हज़ार चार सौ पचासी लेकिन शेख अलबानी कहते हैं कि यह हदीस ईफ है यह हदीस ईफ़ है इमामबैकी रह फरमाते इसी मसले में फ़म्मा मसलई न बिलवजी इन दलफ़रा दुआ जहाँ तक के चेहरे पर हाथ फेरने का मसला है दुआ से फ़ारग होकर, कर फ़लस् तो अहफद होदिन सलफ़ी फ़ी दुआ अकनूत सलफ़ में से किसी से भी मुझे कोई महफूज रिवायत ऐसी नहीं मिली या कोई मोतबर रवायत ऐसी नहीं मिली जिसमें दुआनू में ऐसा करना वारद हो क्योंकि दुआ कनू में ये मसला है बिल्कुल कि उसमें हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से खड़े होकर सारे मुसलमान इजमाही हो या इनफ़रादी तो उसके बाद दुआन से फारिग होकर बाद लोग चेहरे पर हाथ फेर देते हैं कहते हैं कि सलफ से किसी से भी मुझको ये बात नहीं मिली कि वो अपने चेहरे पर कुनूत के बाद हाथ फेरते हों वान दुआला हाँ ये बात ज़रूर है कि सलफ से नमाज से बाहर नमाज से बाहर अगर दुआ कोई करता है तो उनमें से बाद से ये चीज़ आई है कि वो दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरते थे वद्र फ़ी यानी नबी सल्ला हदीसायब और इस मसले में अल्लाह के नबी से ज़ईफ़ हदीस आई है ऐसी हदीस आई है जिसमें ग़ायब है कमज़ोरी है वह मुस्तमल मुस्तम ख़ारिजल्ला और इसी हदीस पर अमल करते हुए बाज लोगों ने इल्म में से नमाज के बाहर इस पर अमल किया है इसको नमाज से बाहर दुआ करने पर महमूल किया है व अमा फलाती फ़हआ अमल यस बुत बेबर सही वाला असर साबित वला क्यास कहते हैं कि जहाँ तक कि नमाज में दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने का मामला है तो इसमें कोई सही रिवायत नबी सल्ला से नहीं है न किसी सहाबी से कोई असर है और कियास के भी मुताबिक ये है कियास के अतबार से भी फिट होता नहीं है फ़ल अवला फ़्याल वसरा फ़्याल अलफ़ुरा रद्ल कहते बेहतर यही है कि आदमी ऐसा न करे दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना आदमी ऐसा न करें और जिस पर शलफ़ का अमल रहा है उसी का अहतमाम करें मिनरफ अल्दही दो नसिमा बिलवज फिर सलाह के आदमी नमाज के नमाज में दुआ करने के बाद यानी दुआत के बाद आदमी चेहरे पर हाथ फेरने से बचे तो एक मसला तो यह है इमाम अलबकी ने इसको हदीस नंबर या असर नंबर तीन हज़ार एक सौ पचास के तहत जिक्र किया है अपनी सुनन में तो इसे मालूम कि यहाँ दो मसले हैं नमाज में दुआनू में दुआ करने के बाद चूंकि हाथ उठाए जाते हैं तो चेहरे पर हाथ फेरना और दूसरा ये कि नमाज के बाहर कोई आदमी अगर दुआ करता है तो हाथ फेरे या नहीं फेरे इमाम अलबैकी कह रहे हैं कि नमाज में तो किसी से साबित नहीं है ना हदीस है ना सहाबा का अमल है हाँ नमाज के बाहर जब दुआ की जाए तो बाद तलब से सारे लोगों से भी नहीं आया बाज लोगों ने इस हदीस पर अमल करते हुए कहा कि हदीज़ है लेकिन जयीफ़ हदीस पर अमल करते हुए बादशलफ ने इसको कबूल किया है इसलिए कि बाद सलफ़ के नज़दीक ये था कि अगर एक जयी हदीस कई तरक से आती है जैसा कि इब्ने हजर कह रहे हैं तो उस पर वो अमल करते थे ऐसी हदीस में जिसमें यानी कोई सख्त हलाल और हराम का मसला ना हो तो बाज़ बाज़ात वो लोग लो इस पर अमल करते थे एक इश्तिहादी मसला है यह है कि दीन के किसी मामले में जई हदीस पर अमल नहीं करना चाहिए जैसा कि इमाम अल बुखारी या मुस्लिम का तर्ज रहा है तो ये राज है मसला है यह राज क़ौल है, है। शेख अलबानी इसी मसले में कहते हैं वह अम्मा मसरू मा बिलवी फिलकुनूती फ़लम यरिद मतलक़न जहाँ तक के कनूत वित्र में चेहरे पर दोनों हथेलियों का फेरना है दुआ के बाद तो ये मुतलकन कहीं भी वारिद नहीं है ऐसी कोई हदीस ऐसी कोई दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है और न सहाबा से लन सलाद मिनबत थी न सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला से ना आपके किसी एक ही सहाबी से किसी से भी नहीं आया वह वह बिदात कहते हैं कि ये बेशक, बगैर किसी तरह की बिदात है इसमें कोई शक नहीं कि बिदात है, यानी कुनूत वितर के बाद चेहरे पर हाथ फेरना बिदात है वह अम्मा भी खारिजला थी फल सफी हदीफ थी वभी हूँ जहाँ तक के नमाज के बाहर दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने का मामला है तो उसमें बस यही हदीस है और इसके पहले एक हदीस आई वो हदीस यानी दो हदीसें हमारे पास हैं يقوي बे मजमो हिम और ये कहना सही नहीं होगा कि एक हदीस दूसरी हदीस को सपोर्ट करके दोनों काबिल इस्तलाल बनते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता सही नहीं ऐसा बोलना कमाफ़ा अलमुना हुई जैसा कि अम्मा मुनावी ने कहा है लिशद्दतफ़ी अल्लादीफ़ तुर्क वजह उसकी ये है कि इसके जो तरीक़ हैं दोनों हदीसों के वो सख्त जयीफ हैं इसके तुर्क सख्त जयफ़ है यानी इसमें सख्त फ़ है अगर छोटा मोटा फ़ होता तो दोनों मिलकर कवि बन जाते लेकिन इसमें फ़ जो है वो ज़्यादा सख्त है शदीद है वलिदालिकालनविय फ़िल मजमो इसी लिए इमामवी ने अपनी किताब अलमजमो अमजमु शरुमब शरहुलमहदब इस किताब में जो फ़िक्र के मसाइल की किताब है नवी की बड़ी ज़ख़ीम किताब है कहते हैं कि लाय ये मस्तब नहीं है दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना मस्तब नहीं है तब अन लिबिन अब्दलाम अलबन अब्दाम ने भी इसका इनकार किया है उन्हीं की तबीयत में इमाम ने भी कहा कि नहीं ये मुस्तहब नहीं है पसंदीदा अमल नहीं है कि दुआ के बाद आदमी चेहरे पर हाथ फेरे वक़ाल और ये भी कहा है कि इसको जाहिल आदमी ही करता है वही आदमी करता है जिसके पास इल्म नहीं है खूस में वल सफ़ी शही मिलव और यानी दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने के अतबार से ये चीज मशरू नहीं है इसको मानना इसकी कवत इससे भी मिलती है कि इतनी सारी हदीसें सही हदीसें आई हैं लेकिन किसी में भी नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने के बाद चेहरे पर हाथ फेरा नमाज में ना नमाज के बाद जो भी मिल रहा है दुआ की तो बेशुमार हदीसें हैं कि अल्लाह के वसल्लम का हाथ उठाना उनमें मरवी है कितनी सारी दुआ है, नमाज वाली भी है, नमाज के बार की भी है कनों तनाजिला भी है लेकिन इनमें से कहीं भी हमको नहीं मिलता है कि जिन मौाक़ पर आपने हाथ उठाया हो उसमें चेहरे पर हाथ फेरा हो कहीं भी किसी सही हदीस में नहीं और है तो वो इन हदीसों में जो ज़यीफ़ हैं तो इसलिए शेखलबानी कहते हैं फ़लीदा का फ़जाल का यदुल्लिनश्ला नकार ही व अदमी मशरूयत ही इसीलिए इन शाह हम ये कह सकते हैं कि ये इस हदीस में यानि इन सारी अदीस में इसका ज़िक्र न आना इस बात की दलील है कि ये हदीस मुनकर है और ये अमल मशरू नहीं है अला नकारती ही का मतलब इस हदीस के मुनकर होने सही हदीस के ख़िलाफ़ होने की दलील है ये कि तो उनमें किसी में भी नहीं आया और इसमें आ रहा है ज़ैफ़ में दूसरे ये कि ये मशरू नहीं है क्यों इसलिए कि किसी भी अमल के मशरू होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके लिए मोतबर दलील हो और यानी इबादत दुआ इबादत में से है दुआ इबादात में से है एक अजीम शान इबादत है अफजल इबादत है और इबादत में कायदा ये है कि जब तक कि वो साबित ना हो उस अमल को ना किया जाए और अमल सबित कब होता है जब उसके लिए दलील भी साबित हो साबित दलील ही से अमल साबित होगा ऐसी दलील जो खुद साबित ना हो उससे अमल कैसे साबित होगा लिहाजा ये उसूल याद रखना चाहिए कि जो भी दीन अमल उसको मशरू मानने के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए सही या हसन दर्जे की दलील हो अगर ज़ईफ़ दलील है और कहीं से उसकी तकवीत नहीं होती है वह हसन ग ही के हुक्म में भी नहीं आती है तो ऐसी हदीस से हम दलील ले सकते हैं नहीं तो ये इरवाल में जिल्द नंबर दो सफ़ा नंबर एक सौ इक्यासी पर शेख अलबानी ने यह बात कही है शेख अल्लाह का मौकफ थोड़ा नरम है इस मामले में अगरचे उनका भी मौकफ यही है कि ये सुन्नत नहीं है शेख अबिनला फरमाते हुआ अम्मा मसहलबत दुआ जहाँ तक कि दुआ के बाद चेहरे पर दोनों हाथों का फेरना है मा में से बाज नहीं इसे बिदात कहा है ली रहाफ़ी इसलिए कि इस बाब में जितनी हदीसें आई हैं वो सब के सब ज़ीफ़ हैं कशेख शेख़िला इस्लामी इबन तमियरम् जिसमें उलमा में, में ख़ुद मिसाल के तौर पर शेख उम अबन तमी रमत हैं उन्होंने भी इस अमल को कबूल नहीं किया है यकूल इन फ़िन हुक़ुल दीदन तहमदवा

इस बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही है कि जब जयीफ हदी कई हों तो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं इंजिबार उससे होता है तकवीत पा जाती हैं कई तुर्क की वजह से इस बुनियाद पर उन्होंने इस अमल को सुनत कहा है और उनके नज़दीक वह साबित है वलवई सबिस कहते हैं इबन राम फरमाते हैं मेरे नज़दीक जो बात है मेरी राय में जो मैं सही समझता हूँ वो ये कि दुआ में चेहरे पर दोनों हाथ फेरना सुन्नत नहीं है लाखिन मम्मा सहा फ़लायन करायालई व मंतर का फ़लायन कराया लेकिन ये भी बात कहना चाहता हूँ इबन वसैमीन कह रहे हैं लेकिन ये भी बात है कि मेरे नज़दीक कोई अगर आदमी आ, चेहरे पर हाथ फेरता है उसको डांटा ना जाए उस पर इनकार न किया जाए और इसी तरह से कोई आदमी चेहरे पर हाथ नहीं फेरता उस पर भी इनकार न किया जाए न इसको गलत बोलो ना उसको गलत बोलो शेख़ इब्ने रहमत रहमतुल्लाह के नज़दीक दोनों में से किसी को भी टोको रोको मत यानी जिसके नज़दीक जो राजे वो करे इस बाब में वो साथ उनके नज़दीक है फ़ता नूर नादर में ये बात उन्होंने कही है इस बाब में यानि आदमी शेख अबमिन कह रहे कि मेरे नज़दीक सुन्नत नहीं है इसलिए वो नहीं करते हैं लेकिन अगर कोई आदमी करता है तो उसको ज़बरदस्ती हाथ उसके रोक लेना उसको डांटना डपटना बिदाती कहना उसको ये ठीक नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ मसाइल में अदीस से फैसला लेने में एक आलिम एक तरफ जाता है दूसरा दूसरी तरफ तो वो उसमें होती है तो आदमी इसमें सख्ती न करे जिसमें इश्तिहादी मामला आ जाए हाँ बिल्कुल नसूस की मुखालफत अगर होती है तो उसकी सख्ती से तरदीद होना चाहिए लेकिन कभी कभी पेचिदा इतना मसला हो जाता है और उसमें इश्तिहा के नतीजे में मुख्तलि उलमा की हो जाती हैं तो एक आम इंसान को तनकीद नहीं करना चाहिए इस एतबार से कि उनकी शख्सियत ही को मजरू करते हैं कैसे कैसे देखिए इतने बड़े आलिम हो बिदात को सुनत बोल दिए और बिदात पर अमल करते हैं बिदाती हैं ना ऐसा नहीं कहना चाहिए बल्कि सही बात यह है कि जिस मसले में बहुत सारी दलीलें और इश्तहाद और बारीकियां और सही ज़ईफ़ का मसला आ जाए ऐसे मसले में इंसान अपना मौक़ बयान कर दे मेरे नज़दीक ये सुन्नत नहीं है जैसा कि शेख इब्न शेखबिनतीमिन ने किया लेकिन फिर उसमें नरमी बरतें हाँ इल्मी एतबार से जब गुफ्तु हो बता दे भाई ये सही नहीं है ये ज़ईफ़ है ये दलील ऐसी है और ये दलील ऐसी है मेरे नज़दीक ये सही नहीं है बता दें लेकिन इसको झगड़ा न बनाए इसको नफ़रतों की बुनियाद न बनाए एक इल्मी मसले को इल्मी इख्तलाफ़ को इल्मी खदूद ही में हल करने की कोशिश करें उसको जंग व जदल और दुश्मनियाँ और नफ़रतों का माहौल बनाने का ज़रिया न बनाएँ ये भी याद रखना ज़रूरी है आखिर में इस बाब में एक और रिवायत है जो जिससे भी दलील बाज़ बाज़ात ली जाती है वो क्या है इस हदीस को इमाम अलबुखारी ने अपनी एक दूसरी किताब अदबुलमुफरत में रिवायत किया है हदीस नंबर छः सौ नौ पर अन अबी नईमिन वहबुल वहब अबुन वहब कहते हैं औरब्न अमर उब्न जुबैर यदानी यदीरानी ब्राहनी अबु न कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लह इब्न अमर रदी अल्लाहनुमा और अब्दुल्ल इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाहुम दोनों अब्दुल्ल हैं तो और ये और उनके वालि दोनों के सहाबी मैंने दोनों को देखा यदानी दोनों के दोनों दुआ कर रहे थे यानी दोनों को दुआ करते मैंने देखा है यूदीरान बच्ची वो अपने हाथ चेहरे पर इस तरह से फेरते थे युदीरान यानी दायरा से लफ्ज बना हुआ है दारा दारा इस तरह के अपने चेहरे पर हाथ जो है इस तरह से यानी करते थे तो अब यहाँ पर इस रिवायत से बाज ने दलील ली है लेकिन ये रिवायत सही नहीं है इसलिए कि शेख अलबानी कहते हैं ضعيف الاسناد इसकी सनत ज़यीफ है फी ही ابن इब्न عن अन अबी ही इस रिवायत को मोहम्मद इबन फ ने अपने वालद से रिवायत किया है आ, कहते हैं कि فيهما ضعف और दोनों में कमज़ोरी है, दोनों में वायफ है मज़ीद ये कि यानी इस रिवायत में सराहत नहीं है इस बात की कि दुआ की ख़त्म पर चेहरे पर हाथ फेरा जाए इसमें दोनों बातों का अहतमाल है एक तो ये भी अहतमाल है कि वो चेहरे के सामने ही रख के दुआ कर रहे हों और इस तरह से मतलब चेहरे के सामने रख के दुआ करने को रावी ने इस तरह से कहा कि अपने चेहरे पर हाथ जो है इस तरह से कर रहे थे या ये भी मुराद है कि दुआ के दौरान ही चेहरे पर हाथ रख लिया हो तो अगर चे सनद बिल्कुल उसकी ज़यीफ़ है लेकिन अगर सही तस्लीम कर भी लिया जाए तो जो जेर बहस मसला है वो क्या है दुआ के दौरान की बात नहीं है युदीरान में इस्तेमरार है और यदान में भी इस्तेमरार है दोनों में इस्तेमरार है दुआ कर रहे थे और चेहरे पर हाथ फेर रहे थे इस तरह का माना भी लिया जा सकता है लेकिन चूंकि सनत जई फैसली उसको भी हम इस्तलाल में नहीं लाएंगे कि दौराने दुआ आदमी करें अगर सनत सही साबित होती तो करते लेकिन इससे भी इस्तलाल मुनासिब नहीं लगता है इसीलिए इमामबुखारी ने भी दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने के बारे में उन्होंने इसको दलील नहीं बनाया है तो इससे दुआ के बाद वाले मशे पर दलील लेना ठीक नहीं है इसलिए कि दुआ के खत्म की इसमें कोई दलील नहीं है असल मसला तो वही है कि दुआ के खत्म पर चेहरे पर हाथ फेरे जाएं, दुआ से फारि होकर हाथ फेरे जाएं। ये तो दुआ के दौरान की, की बात हो रही है लिहाजा इससे भी दली, दलील लेना मुनासिब नहीं है तो खुला कलाम ये कि दुआ में दुआ करने के बाद चेहरे पर हाथों का फेरना इसके लिए कोई सरी कवी दलील नहीं है बाद लोग बहुत सारे मिसाइल में बहस करते हैं सही सरी हदीस हमको चाहिए ऐसे लोग अब ऐसे मसले में उसूल भूल जाते हैं बहुत सारे लोग मनाजरों में और यहाँ वहाँ इस तरह की बात करते हैं कि हमको हर मसले में आपके पास से कैसी हदीस चाहिए सही भी होनी चाहिए और शरीह भी होनी चाहिए आप आप उन लोगों को देखेंगे कि फिर इस तरह के मसाइल में वो ऐसी हदीसों से दलील पकड़ने की कोशिश करते हैं जो साफ साफ सा, सा, ज़ईफ़ होते लेकिन फिर अब यहां अपना उसूल भूल जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को हर मामले में पर कायम रहना चाहिए तो ये एक हदीस है जो हमने देखी जो दुआ के ताल्लुक से थी और दो हदीसें थी इब हजर ने दोनों हदीसें जिक्र की हैं और इसमें दुआ के ताल्लुक से मसला मौजूद है आदमी दुआ करे हाथ छोड़ दे मसला नहीं यानी अगर किसी को अजीब लगता हो जिस पहले से आदत रही हो चेहरे पर हाथ फेरने की हम सख्ती से इसका नहीं करेंगे लेकिन हम ये कहेंगे कि ये साबित नहीं है तो आदमी को चाहिए कि इसे परहेज करें मजीद ये और अगर कोई आदमी सलफ की इकतदा में के बाद सलफ ने किया है तो उस आद पाकर अगर करता है तो उसको सख्ती से रद्द भी नहीं करना चाहिए जैसा कि शेख इब्न इबन ने ये बात कही है आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हदीस नंबर सत्रह और इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फजीलत मौजूद है पिछले आ, कुछ बाज़ दुरूद से पहले हमने आ, यह हदीस इस बाब में देखी थी कि आदमी नबी अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़े तो वो मजलिस कैसी है उसमें इनकार था उसमें तशदीद थी उसमें वायद थी लेकिन आज जो हदीस हम देख रहे हैं इसमें फजीलत है इसलिए हमने वहाँ पर फजीलत की हदीस जिक्र नहीं की थी ताकि मुनासिब बाब में मुनासिब हदीस के तहत वो बाकी हदीसें भी आ जाए इबरिया काल, से रिवायत है फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल्ला नेर्शाद फ़रमायासबीयम क़ियामत हीमत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा क़ुर्बत वाले वो लोग होंगे जो अक्सर जो तरद पढ़ने में मुझ पर दरूद पढ़ने में दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हो जो ज़्यादा दरुद पढ़ने वाले होंगे वो मुझसे ज़्यादा करीब होंगे इस हदीस को इमाम तिर मदी ने रिवायत किया है और इब्न अब्बान ने इसे सही कहा है और शेखल्बानी ने भी सही तरगीब में हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ अड़सठ पर कहा है कि यह हदीस हसन लगैर ही है यह हदीस हसन लगैर ही है एक और रिवायत जो इमाम अलबकी ने रिवायत की है उसमें भी ये बात मौजूद है जो मजीद इसकी तकवियत का ज़रिया बनती है फरमाते हैं कि अक फिर अमिन अल्लाह के रसूल सल फ़रमाते हैं अक फिर अमीनती

अम्बिया आलम बरज़् में हयात होते हैं वो दुनियावी ज़िंदगी नहीं है वो बरसी जिंदगी है तो मुझ पर मेरे उम्मती का हर जुमा को दरुद पेश होता है जिसने भी दरुद पढ़ा है पमन का न अखरम सलातन का नरब मिन्नी मंजिल अच्छा तो इनमें से जो भी मुझ पर कसरत से दरुद भेजने वाला होगा वो मेरे नज़दीक मकाम के अतबार से ज़्यादा करीब होगा का ना अकरबाह मिन्नी मंजिलतन, मकाम के अतबार से वो मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जो सबसे ज्यादा दरुद पढ़ने वाला होगा खास करके कौन से दिन जुमा के दिन जुमा के दिन खूब खूब दरुद अल्लाह के नबी वसल्लम पर पढ़ना चाहिए दरुद क्या है जो नमाज में हम पढ़ते हैं अल्लाह मसल महम्मद वाल महमद का मसलता है ये पूरा दरुद है या अगर मुख्तर पढ़ना है आदमी को तो जैसे बाज़ अहल में जिक्र किया बात में भी आए सलफ़ से कि अल्लाह मसल महम्मद अन नबीमी अला महमद अन नबीमी बासबा से ये भी मरवी है कि वह इसको पसंद करते थे इस तरह से अल्लाह के नबी सल्ला वसम पर दरूद पढ़ना अल्लाहमद अन नबीमी इस तरह से भी आदमी दरुद पढ़ सकता है या जो भी उसके इलमे हैं उसको पढ़े लेकिन बना बना के दरुद ताज और यहाँ वहाँ के दरुद बना के पढ़ना ये सही नहीं है बल्कि सही बात यह है साहबा ने जब खुद पूछा कि हम कैसे आप पर सला भेजें तो आपने उनको सिखाया हुआ कि ये चीज़ मशरू है लिहाजा इसके लिए सबूत होना ज़रूरी है तो इस तरह से नबी पर अलैहि वसल्लम पर पढ़ा जाएगा बाद कहते हैं कि सल्लाह सबित नहीं है न की रिवायत में है कि साहबा ने कहा सल्ला कोस इस तरह से रिवायत मौजूद है तो कोई ये ना कहे कि ये साबित नहीं है कोई आदमी ऐसा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है कोई हरज नहीं तो यहां पर एक और हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि जुमा के दिन कसरत से दरुद पढ़ो इसलिए कि जुमा के दिन जो मुझ पर खूब खूब दरूद पड़ता है यह एक अमूमी बात है पमन का ना अख्तर आलिया सला इसमें तामीम है इसमें जुमा की कैद नहीं है तो वो मुझसे सबसे ज़्यादा कुर्बत में होगा क़यामत के दिन तो इमाम अलबैन ने इसको रिवायत किया है सही अल्जाम सही तरगीब सही तरगीब और हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ तिहत्तर और हदीस हसन लगैर की है तो इससे दुरूद की फजीलत मालूम होती है ने कहा कि एक आदमी क्या दुरुद जब पढ़ता है तो क्या अल्लाह के हाँ नबी सल्लासम की सिफारिश करता है नहीं अल्लाह के रसूल सल्लम हमारी सिफ़ारिश के मोहताज नहीं हैं बल्कि हम अल्लाह के रसूल सल्लाम की सिफ़ारिश के मोहताज हैं तो ये हमारी तरफ़ से सिफ़ारिश नहीं होती है बल्कि हम जब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो दरूद में गोया कि हम ये कहते हैं कि हमारे नबी के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं और हम उन एहसाना को अदा नहीं कर सकते लिहाजा ए अल्लाह तो हमारी तरफ से अपने नबी पर सलात नाजिल फरमा और बरकत से आपको नमाज तो गोया के एक मुसलमान की तरफ से ये आजजी का इजहार होता है किल्ला मैं अपने नबी मोहम्मद अरबी सल वसलम के हक़ को अदा नहीं कर सकता आपने जो दीन हम तक पहुंचाया और हमें उस व हसना के ज़रिए से दुनिया में जलील होने से बचाया कि आपकी अकवाल भी हमारे सामने है तालीमत और आपका अमली नमूना भी हमारे सामने है तो हमको गुमराह होने से अल्लाह के नबी सल्ला ने बचाया और बेहतरीन ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाया तो अल्लाह इस एहसान के बदले तो अपनी तरफ़ से हमारे यानी हमारी तरफ़ से अल्लाह खुद अपने नबी पर एहसान फरमा आपके यानी दर्जात को बुलंद कर दे की तारीफ़ कर अपने फरिश्तों में और आप पर अपनी रहमती और बरकती नाजिल फ़रमा गोया कि ये बंदा दुआ अल्लाह से करता है अपनी आजिज़ी का इजहार भी इसमें है और इसमें तशक् है शुक्रिया है अदा करना नबी वसल्लम का और अल्लाह से दुआ करना है कि तो अल्लाह हमारी तरफ से तो अता फ़रमाए हम इतने अता करें हमारी क्या औकात है कि हमारे नबी को कुछ दें तो तू अल्लाह हमारी तरफ से यानी अपने नबी पर एहसान फरमा ये बहुत प्यारा जज्बा है जो एक मोमिन का होता है इसमें आज़ज़ी भी है शुक्रगुजारी भी है और अल्लाह रब्लम के की आता की रगबत भी इसमें है और इसका फ़ायदा यह है कि जब बंदा अल्लाह के नबी सल्लास्म पर दुरुद पड़ता है तो अल्लाह तस मरतबा दरूद भेजता है वो अल्लाह से दुआ कर अल्लाह फ़रिश्तों में आपका जिक्र कैर कर सना तीम अबुल फ़रमाते हैं दरुद क्या है अल्लाह ताली का मलय आला में यानि मुकदम फरिश्तों के सामने मोहम्मद रसोल्ला सल्लासम की तारीफ़ करना आपकी यानि मदह करना आपकी तारीफ बयान करना तो ये आपका शर्फ है तो बंदा जब ये करता है तो अल्लाह ताली इस पर दस मरतबा दरूद भेजता है यानि अल्लाह ताली इसकी तारीफ़ फरिश्तों में करता है ये नबी के लिए दुआ कर रहा है अल्लाह ताली ख़ुद इसको भी अदा करता है और एक के बदले दस क्योंकि अल्लाह के यहाँ कायदा यही है कि अलसनत ब्याषर अमसल ने नेकी उसके दस गुना सवाब दिलाती है तो इस हदीस को इमाम अल्बहनी ने रिवायत किया जो मैंने जिक्र की सैयद तगीब हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ तिहत्तर और यह हदीस हसन की है बल्कि एक इंसान जब दरूद पड़ता है नबी अलैहि वसल्लम पर तो वो फ़रिश्तों की दुआ का हकदार बन जाता है उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह के नबी सल्हल फरमाते हैं मां में मुसलिमिन यूसल्आल जो भी मुसलमान मुझ पर दरुद पढ़ता है सलाद भेजता है माँ सल आल जब तक वो मुझ पर दरुद पढ़ता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं ये नबी के लिए दुआ कर रहा है दरुद पढ़ के दुआ अल्लाह से अल्लाह सला मुतालबा है अल्लाह तलाद का नबी पर तो जब तक ये अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्ला पर दरुद पढ़ता रहता है तब तक फरिश्ते इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं फल यु आप फरमा आप बंदा चाहे तो ज्यादा दरुद पड़े या फिर कम कर दे जितना पड़ता था उससे बढ़ाएं या घटाएं अब उसकी मर्जी उसको फरिश्तों की दुआ जितनी चाहिए वो दुआ दरुद पड़े और नहीं चाहिए ठीक है मत पढ़ो यानी अब बताया इसमें ये अंदाज है बोलने का कि फायदा तुम्हारा ही है तुमको अगर फायदा उठाना है जरूरत पढ़ो इसमें तुम्हारा फायदा है कि फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और तुम कम करोगे तो तुम्हारे लिए कम होगा तुम ज्यादा करोगे ज्यादा होगा यानी तुम्हारे लिए कोई हदबंदी इसमें नहीं है इसमें कोई हद नहीं बताए कि इससे ज्यादा मत करो तो आदमी जितना चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े उसके लिए फरिश्ते जब तक ये दरूद पढ़ता रहता है फरिश्ते उसके लिए उसके लिए दुआ करते रहते हैं इस हदीस को इमाम अहमद और इबन माजा ने रिवायत किया है

फरिश्तों का बंदे पर सलाद भेजना फीमाना अदवास वल इसफ़ार उनका लोगों के लिए दुआ और इस्तफ़ार करना है यानी फ़रिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह से मफफ़रत तलब करते हैं अल्लाह इसकी मफफ़रत कर दे और इसको खैर अता कर अल्लाह से दुआ करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बंदे के लिए एक शर्फ़ की चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विरोध पढ़ने की वजह से वो फ़रिश्तों की दुआ का हकदार बनता है दरुद पढ़ने पर और भी फ़वाद हैं चार चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की है अबू तलहा कहते हैं असबह रसूल अल्लाह सऊ सल एक दिन अल्लाह के रसूल सल्हल सुबह के वक्त बाहर निकले कई बन और बिल्कुल आपका मिजाज में एक बशाशत थी एकदम फ्रेश लग रहे थे यूराफ़ी वजही अल्बर इतने खुश थे कि आपके चेहरे से आपकी खुशी दमक रही थी आपके चेहरे से खुशी का एहसास हमको हो रहा था कलिया रसूल असबह तल्योम नफसी यूराफ़ी वजही अलबर साबन का अल्लाह के रसूल आप आज सुबह को ऐसे लग रहे हैं कि एकदम फ़्रेश हैं और ख़ुश खुश हैं और आपके चेहरे से आपकी खुशी का इजहार हो रहा है बिल्कुल आपके चेहरे पर खुशी के आसार बिल्कुल, है। खाला अजल। कहा हाँ। बिल्कुल। अजल। में वजल। मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक पैगाम लाने वाला आया था यानी एक फरिश्ता आया था बकाल उसने कहा मनसल खन उम्मीती का फलातन का तबू अशरा सनास उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हुए कि मेरी उम्मत में से ए नबी आप पर यानी आपकी उम्मत में से जो भी शख्स आप पर दरूद पड़ता है अल्लाह ताला उसके लिए दस नेकियां लिख देता है वमहा वमहा व मह सयात और उसके दस गुना मिटा देता है मह का मतलब नाम आमाल से गायब कर देना मिटा देना वरफ़ अलहु होशर दर्जात और दस दर्जे उसके ऊंचे कर देता है वरद दी मिथिला और इसी के बखद्र यानी दस दरुद खुद अल्लाह उस पर भेजता है इसने एक बार दरुद पढ़ा अल्लाह दस बार उसकी तारीफ़ करता है फरिश्तों के सामने तो इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है सही सगीर हदीस नंबर सत्तावन और हदीस सही है इसमें मालूम हुआ कि इस हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम पर दरुद पढ़ने में चार चीज़ें नसीब होती हैं नंबर एक दस नेकी मिलना नंबर दो दस गुनाह मिटा दिए जाना नाम से नंबर तीन दस दर्जे बुलंद हो जाना और नंबर चार अल्लाह ताला की सना का मुस्तक होना अल्लाह की तरफ से सलाद का दस मरतबा सलाद अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए होता है तो ये चार फ़ायदे दरूद में हैं अजीब बात यह है कि फ़ायदा उम्मत का और ख़ुशी नबी को हो रही है आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लाह और खुश क्यों थे इतने खुश थे कि आपके चेहरे से खुशी का इजहार हो रहा था कि कभी आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है तो अपनी खुशी को छुपा नहीं पाता है अल्लाह के नबी सल अला हम भी देखते हैं किसी को बोलते हैं क्या बात है बहुत, बहुत खुश दिखाई दे रहा है क्या बात है उसके चेहरे से ख़ुशी नुमायाँ होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम को ख़ुशी क्यों हो रही है दुनिया का ख़जाना मिल गया दुनिया में माल दौलत और यहाँ के माल असबाब मिल गए नहीं आपकी उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से एक खैर नसीब हुई इस पर आप खुश होते थे तो ये हमारे नबी का हाल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की खैर के लिए आप हमेशा यानि हरीस रहते थे और अगर कोई खैर उम्मत को नसीब हो गई तो आप उस पर खुश होते थे आपकी खुशी यानी आपके सीने में समा नहीं पाती थी चेहरे से उसका इजहार होता था हमको कितना एहसान मानना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कितना ख्याल रखना चाहिए आपकी सुन्नतों का आपकी तलीमत का और कितना आप पर दुरुद पढ़ना चाहिए दुनिया की दर दर की और फौल फजूल बातें हम लोग कितनी करते हैं कितना याद रखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को और कितना उस पर शिक्र गुजर शुक्र गुज़ारी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से आपके लिए मुतालबा करते हैं कितना करते हैं आप पर कितना द्रुद पढ़ते हैं तो ये भी सोचना चाहिए और फिर उसके बाद बड़े बड़े दावे करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत के और सब चीज़ें ये चीज़ें वाकई कुछ काम की नहीं है इंसान की ज़िंदगी में हकीकत होनी चाहिए बस तकल्लुफात और झूठी बातें और मकारियाँ नहीं होना चाहिए इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला दुरूद पढ़ना इसमें चार फायदे हैं और एक हदीस हम देखते हैं और आज के दर्स की मैं समझता तो हूँ आखिरी हदीस होगी दुरूद पढ़ने में फिक्र और गम से नजात भी है ये शायद बहुत सारे लोगों को मालूम ना हो या इसकी हदीस या दलील मालूम ना हो तो आज देखिए ये हदीस भी हमारे सामने है कि कोई आदमी अगर फिक्र में मुबतला है फ्यूचर के बारे में टेंशन में है क्या होगा मालूम नहीं इम्तहान है या माशी मसाइल हैं घरेलू मसाइल हैं बीमारी है या कुछ और मसला है आगे क्या होगा नहीं मालूम या माजी में जो नुकसान हुआ है या जिस परेशानी में इस वक्त में है उसका दुख नुकसान का तकलीफ का दुख इंसान को है किसी के खोने का शख्स हो या चीज हो या कुछ और हो अगर उसके दिल में दुख है उसका इलाज क्या है तो फिक्र गम से नजात के असबाब और वसायल में एक सबब यह भी है कि आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पड़े कैसे आइए देखते हैं उबैद इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं ये सहाबी हैं कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اذا ذهب ذهب ثلث الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الراضفه जा अलमाऊ तु माफ़ी जा अलमाऊ तु माफ़ी कहते हैं कि जब रात के दो तिहाई रात गुजर जाती कि रात को तीन हिस्सों में तकसीम कर दें उसमें से दो खत्म हो गए और आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहा जिसमें अल्लाह रबुलमीन ला का नज़ूल होता है आसमान दुनिया की तरफ तो कहा कि उस वक्त आप क्यामैल के लिए उठते वक़ालास और आप कहते ए लोगो ए लोगो अदकुर अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह को याद करो जाफा सब यानी हिला देने वाली आ रही है यानी क़ियामत करीब है कि सारी दुनिया को जो है बिल्कुल हिला के रख देगी ऐसी चिघाड़ ऐसी चीख होगी कि सबसे सब कुछ लरस जाएगा या बिल्कुल उससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जा अति राजिफा तत्फ़ा जिसके बाद उसके बाद आने वाली दूसरी एक चिंगाड़ होगी सूर्खों का जाएगा तो एक रा, यानी राजिफा है उसके बाद वाली रादिफ़ा, रदीफ से है पीछे आना राजफा का मतलब है बिल्कुल हिल जाना तो जा राजिफ़ा, तत् दिफा यानी क्यामत के दिन सूर्खों का जाना पहला सुर, दूसरा सुर जामाऊ तो उससे पहले क्या जामाऊ तो बिमाफी जा अलमा तो मौत आ रही है और मौत के अंदर जो सख्तियां हैं वो भी आ रही है और मौत के साथ वो सारे जो मौत के हैं वो सब आ रहे हैं काला उबई मिकाब कुल तु या रसूल अल्लाने कहा अल्लाह के रसूल इन उकल तै खूब खूब आप पर दुरुद पढ़ता फकम अजल थी मैं आप पर यानी दरूद पढ़ने में अपनी दुआ में से कितना हिस्सा रखूं? यानी इन्नी इन सलात अलैक मैं आपके लिए खूब खूब दुआएं करता हूं जब मैं दुआ करता हूं तो आपके लिए बहुत दुआ करता हूं मैं तो मैं अपनी दुआ में कितना हिस्सा आप पर दरूद का रखूं? यही माना ने जिक्र किया है काला माशेद आपने कहा जितना तुम चाहो जितना तुम चाहो काला कुल तो अरुबो उबई इब्न काब ने पूछा वन फोर्थ चौथाई हिस्सा यानी चार हिस्सों में से एक हिस्सा पाओ जिसको हमारे हैं कहते हैं काला माशेद जितता तुम चाहो फ इन जितता फ खैर लक अगर तुम इसको कुछ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा कुल तो अनिस्फ कहा आधा काला तुम्हारी मर्जी फ इन जिद तफा हुआ लेकिन इससे ज्यादा अगर तुम दुआ करो मेरे लिए यानी जरूर पढ़ो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा काला कुल तो फसफुलसैन कहा दो तिहाई अपनी दुआ में से दो तिहाई आपके लिए रखू मैं खाला माशे तुम्हारी मर्जी जितना तुम चाहो तुम जो चाहो कर सकते हो फिन जिदा हुआ खैरुल्ल लेकिन अगर इससे ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है कुल तो अज अल खलातील्ला कहा कि अल्लाह के रसूल सारी की सारी दुआ आपके लिए रख दूं आपके लिए पूरा दुआ यानी आप पर ही दुरूद पड़ता रहूं आप ही के लिए अल्लाह से दुआ करूं का हमको युग फरुल अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी फिक्रों के लिए काफी हो जाएगा ऐसा करना और तुम्हारे सारे गुनाहों के लिए मफफरत का जरिया बन जाएगा अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फिक्रों के लिए किफ़ायत में हो जाएगी और तुम्हारे सारे गुनाहों के लिए ये मफ़रत का जरिया बन जाएगा इमाम तिरमिदी ने इसको रिवायत किया है तिरमिदी में हदीस नंबर दो हज़ार चार सौ सत्तावन पर यह हदीस मौजूद है हदीस हसन दर्जे की है एक और रिवायत में आपने फरमाया दुनिया व अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा दुनिया और आखिरत की फिक्रों के मुकाबले में इन सारी फिक्रों से अल्लाह ताला तुमको नजात दे देंगे तो मालूम है कि बहुत टेंशन बहुत टेंशन वाली कौम आज सारी दुनिया से ही है परेशान बहुत टेंशन है भाई तो ये जो टेंशन है दुनिया के किसी को आखिरत का भी है लेकिन आदमी परेशान है स्ट्रेस और एंगजाइटी और न जाने कितने अल्फाज इंग्लिश के हैं सारे घूम फिर के जहनी परेशानी पर ही आते हैं तो ये जो परेशानी है तो इसके लिए इशा खलबानी ने इसको फल सला नबी में ज़िक्र किया है और ये रिवायत यानी मुरसल सही है तो इससे मालूम होता है कि यानी फ़िक्रें जो इंसान को परेशान करती हैं उसकी नींद हराम करती हैं उसके खाने की लज्जत उड़ा देती हैं और सारी खुशियों के बावजूद भी वो खुश नहीं रह पाता है तो उसका इलाज क्या है उसके इलाज में कई इस्बाव है जिसमें से एक सबब एक सबब ये भी है कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वरूद पढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़े तो उलमा ने कहा कि ये किस एबार से शेख अलबानी और बहुत सारे उलमा ने कहा पिछले ओमा में से भी अहिल में बात कही कि उबई इबनकाब रज़ी अल्लाह तुम का अपना एक वक्त था और उस वक्त में वो खूब खूब खुँ दुआ करते थे और उसमें अपने लिए ख़ास दुआएँ करते थे और उसमें अल्लाह के नबी सल वसम के लिए दुआ करते थे तो उन्होंने पूछा कि मैं जो दुआ करता हूँ मेरा एक ख़ास वक्त है तो उसमें आपके लिए भी दुआ करता हूँ तो कितना करूँ और कितना आपके लिए दुरुद पढ़ूँ तो आपने इस तरह से बताया इब्न इबनतमी रहमत की मुस्तकिल किताब इसकी इस वनवान पर है जिसमें उन्होंने बात बताई कि अगर कोई आदमी नबी सल्लल्लाहु सल्ला पर दुरूद पढ़ता है तो उसके लिए उसके अपने मसाइल अल्लाह ताला उसके हल कर देता है क्योंकि इसने फरिश्ता भी तो है एक आदमी अपने भाई के लिए जब मांगता है तो फरिश्ता क्या कहता है कि अल्लाह इसको भी इसी के मिसल दे तो ये तो आम मुसलमान के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी दुरूद पढ़ रहा है तो इसके लिए क्यों नहीं मिलेगा इसको ये कैसे महरूम रहेगा अल्लाह के इतने मुकरब बंदे के लिए वो मांग रहा है अल्लाह से दुआ कर रहा है तो उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांग कर ये महरूम कैसे रह सकता है तो इस हदीस से ये मत ये उस हदीस से भी इसकी तायद होती है तो इससे मालूम होता है कि जो आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है वो महरूम नहीं रहता है और उसके फिक्र और गम के लिए ये चीज़ निजात का ज़रिया बन जाती है इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने लिए दुआ ना करें घर वालों के लिए ना करें और सब छोड़ के सिर्फ दरूद पढ़ें ये माना नहीं है किसी ने भी ये मतलब नहीं लिया है मेरे इल्म की हद तक में से सब ने ये बताया कि एक खास वक्त था जिसमें दुआ करते थे उसमें से कितना आपके लिए करें बाकी औकात में तिलावत है दरूद है, है इस्तार है और इसके अलावा दुआएं हैं वो अपनी जगह है लेकिन एक खास वक्त उन, आ, उनका था उसमें वो दुआ अपने लिए करते थे तो उसमें से आपके लिए कितना रखूंगा तो आपने बताया कि सब मेरे लिए करोगे तो तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा तो इस तरह से यह हदीस आ, बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरुद पढ़ना हमारी दुनिया और आखिरत की फ़िक्रों के लिए इलाज है और दवा है अल्लाह ताला हम सब को नबी का हक जानने की तौफीक दे और आप पर खूब खूब खुँ दुरुद पढ़ने की तौफीक दे इसी तरह से आपकी तलीमत को पर सीखने उस पर अमल करने और उसे आम करने की तोफ़ीदा फरमाए आपकी बातों पर ईमान लाने और आपके हुक्मों को पूरा करने की हम सबको तोफीकदा फरमाए أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم